सो so, हमें फाइनली फाइंड करनी है ab cd के तो so, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में गिवन क्या है हम यहाँ लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है टर्म्स क्या-क्या है दैट इज pq ab pq किसके इक्वल है ab के और सेकंड थिंग क्या गिवन हमें rq वो किसके इक्वल है cd के अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं pq अब हम pq को कैसे लिख सकते हैं pq को हम कैसे लिख सकते हैं pq pr rq पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा पी आर प्लस आर क्यू तो पी आर प्लस आर क्यू अब हम ये पी क्यू के और आर क्यू की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे हमें क्या मिलेगा अगर पी क्यू इक्वल टू ए बी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी दैट इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू आर क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है सी डी के इक्वल है सो so, हम इसको कैसे लिख सकते हैं अगर हम सी डी को इस साइड ले जाएंगे सो वी गेट दैट इज ए बी माइनस सी डी इक्वल टू पी आर ए बी माइनस सी डी इक्वल टू किसकेक्वल मिल जाएगा पी आर के इक्वल और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था एबी माइनस सी डी सो हमारी वैल्यू क्या आ वैल्यू किसके इक्वल आ गई पी आर के लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर